ये जो कपालभाति प्राणायाम है इसके लाभ क्या क्या है? ये जो कपालभाति प्राणायाम हम कर रहे हैं, माताओं बहनों को जब मासिक धर्म के एक दो दिन है तो उस समय कपालभाति प्राणायाम ना करें, उन थोड़ी सी ब्लीडिंग बढ़ सकती है। जिनको कमर में बहुत तेज है, दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है, वो झटके के बहुत ज्यादा झटका जोर ना लगाएं, वो सामान्य गति के साथ कपालभाति प्राणायाम करें। बाकी कपालभाति प्राणायाम सब कर सकते हैं। इस कपालभाति प्राणायाम को खाली पेट करें, सुबह नाश्ता करने से पहले, शाम को रात्रि के भोजन से पहले और दोपहर के भोजन से 4 से 5 घंटे बाद इस कपालभाति प्राणायाम से हमारे पेट के जितने रोग हैं, हमारे पेट के अंदर गैस, कब्ज, खट्टी डकारें, गैस के अंदर छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टोमक में कोई खराबी होना, गैस के पेट के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी है वो इससे दूर होती है। हमारे उदर के अंदर जितने अंग हैं उनके ऊपर विशेष प्रभाव डालता है। हमें डायबिटीज है, हमारे पेनक्रियाज की बीटा जो सेल्स हैं वो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे तो उनको दोबारा से एक्टिवेट करता है। हमारी किडनी का फंक्शन ठीक नहीं है तो किडनी के फंक्शन को ठीक करता है ये कपालभाति प्राणायाम। हमारे पेट के अंदर प्रजनन अंगों में कोई भी बीमारी है, बार बार पेशाब जाते हैं, प्रोस्टेट की दिक्कत है, नपुंसकता की दिक्कत है, ये सारी बीमारियां कपालभाति प्राणायाम ठीक करते हैं। और एक और चमत्कार की बात करते रहिए, जिनके शरीर में कोई गांठ है, आप में से ऐसे कितने भाई बहन हैं जिनके शरीर में कोई गांठ है, छोटी मोटी गांठ बनी हुई है, और डॉक्टर को आपने दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये सामान्य गांठ है और इससे कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, इस गांठ का मुझे कुछ इलाज करवाना है, इस ट्यूमर का जो शरीर में ऐसे ही कहीं बन गया, तो डॉक्टर कहेगा कि आप ज़्यादा जिद करते हैं तो हम इसका ऑपरेशन करके इसको निकाल देते हैं। फिर आप अगला सवाल करेंगे कि डॉक्टर साहब आपने इसको निकाल दिया तो ये दोबारा तो नहीं बनेगा, तो डॉक्टर कहेगा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है 20 दिन बाद ही दोबारा बन जाए। तो शरीर के अंदर ट्यूमर हो जाते हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी गांठें हो जाती हैं, कैंसर की गांठ की बात नहीं कर रहा मैं, सामान्य गांठ की बात कर रहा हूं। किस किस के शरीर में है एक बार हाथ खड़ा करेंगे, अभी देखिए चमत्कार कुछ दिन में घटित होगा। इस गांठ का इलाज पूरे मेडिकल साइंस में नहीं है, नहीं है ना, आपने दिखाया होगा, दवाई इसकी कोई नहीं है, आप इसको सर्जरी करके निकाल सकते हैं। ये गांठ, आप ये जो प्राणायाम जितना आपने आज किया है उसको 15 दिन तक कर लीजिए, आपकी ये गांठ कहां गायब हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। करते रहिए कपालभाति प्राणायाम, इससे बड़ा चमत्कार तो नहीं हो सकता ना। जिसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं वैसी बीमारी आप खुद महसूस कर सकते हैं। ऐसे कितने भाई बहन हैं जो पहले से प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं और जिनकी गांठें घुली हैं, एक बार हाथ खड़ा करेंगे, जिनकी गांठ गायब हुई है। केवल एक बीमारी की मैंने बात की है, हर व्यक्ति को नहीं होती, कुछ कुछ व्यक्तियों को होते हैं। ऐसी बहन है पीछे पीछे, कुछ भाई भी हैं तो जिनकी गांठें घुल गई हैं, तो करते रहिए कपालभाति प्राणायाम। हमारे शरीर के अंदर जो मोटापा है उस मोटापे को दूर करने का राम बाण इलाज कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम हम जब करते हैं तो कैलोरी बर्न बहुत जल्दी होती है, कैलोरी का कंजप्शन बढ़ जाता है, शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। कपालभाति प्राणायाम हम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर जो लेयर जमी हुई है उनके अंदर जब वाइब्रेशन होती है, जब मोशन होता है, तो हमारी फैट बर्न होती है, फैट मेल्ट। तो कपालभाति प्राणायाम, जिसके बारे में पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यह धरती की संजीवनी बूटी है, इसको रोज 15 मिनट हमें कम से कम करना है।